बहुत ही डिफरेंट चार्जेस बहुत बार बहुत डिस्टेंस का बाउंस को कल 21 मार्च हुआ। 21 मार्च से स्प्रिंग का सीजन शुरुआत होता है। स्प्रिंग एक नई जान लाता है, जो विंटर में फूल पौधे सूखे हुए रहते, उनके पत्ते पतझड़ हुई रहती है, नई तरीके से जान जो है वह स्प्रिंग्स में आती है। यूथ भी वैसे ही हमारी यूथफुलनेस दिखाता है सोसाइटी के। कुछ एक सालों से यहाँ ड्रग्स का काफ़ी फैला हुआ है और उसमें मेन रोल जो है हमारे बाहरी ताकतों का रहा है, जो ना सिर्फ इनको इनके हाथों में बंदूक देते हैं इवन, बल्कि उनको अपने जहन पर कंट्रोल ना रखने के लिए ड्रग्स भी देते हैं। तो इसको कम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब और उनके साथी एसएसपी साहब ने एक मुहिम छेड़ी है, जिसके तहत जो जो ड्रग्स ले रहे हैं लोग उनको अवेयर किया जाता है, काउंसलिंग की जाती है, उनको विक्टिम ना वो कोई गुनाहगार नहीं है, वो एक विक्टिम है वो समझ करके उनको समझाया जाता है। खुसूसन तौर पर उन पर जो पेरेंट्स हैं उनको समझाया जाता है, साथ में जो सप्लाई है उसको भी रोकथाम के लिए प्रयास कर रहे हैं। इवन उसमें जो मेन नेटवर्क के प्लेयर है उनको PSAs भी हम लगा रहे हैं। आज का इवेंट उसी की एक कड़ी थी, जिसमें ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यहाँ बॉयज़ का और गर्ल्स का रन फॉर नो ड्रग्स का आगाज़ किया और तकरीबन जो है 1000 के करीब बच्चों ने और बच्चियों ने उसमें शिरकत की। जी सर, ड्रग्स को लेके और क्या इकदाम उठाए जाएंगे सो दैट हमारे यूथ जो है वो वापस नॉर्मल? वादी के 10 में से 6 ज़िलों में हमने ड्रग्स काउंसलिंग सेंटर्स बनाए हैं और इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर ये एक अकेला यूनियन टेरिटरी है जहाँ सब के सब सेंटर्स शुरू हो गए हैं, जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक कमरा है। नॉर्मली हॉस्पिटल में लोग आते हैं तो वहीं काउंसलिंग के भी लोग हमने रखे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल लोग है उसमें। साथ में जो हमारा साइकेट्रिक हॉस्पिटल है उसमें भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। जो पुलिस का एक एंटी ड्रग्स डी ड्रग्स अबूज सेंटर जो है उनको भी हम चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं। थैंक यू।